तो नमस्ते। देखिए आज हम पोहा बना रहे हैं। इसमें हमने सरसों का तेल डाला और थोड़ा मूंगफली को फ्राई किया। उसके बाद ये फ्राई हो गए। और इसमें राई डालेंगे। राई डालने के बाद जब चिटकने लगे तो करी पत्ता डालना है। और इसके बाद थोड़ी सी प्याज। जब हल्का सा भुन जाए तो हल्दी थोड़ी। और थोड़ी सी स्वाद अनुसार नमक। फिर इसमें पोहा डालना। अगर आलू खाना है तो आलू टमाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन हम तो सिंपल ही बना रहे हैं। घी के पोहा मैंने रखा था पहले से। फ्राई करेंगे। जब आपका थोड़ा फ्राई हो जाए तो इसमें लास्ट में मूंगफली और हरी धनिया डाल दीजिए। थोड़ा सा 5 मिनट ढक दीजिए।
हेलो दोस्तों, देखो 5 मिनट हो गए हैं ये। अब ये पोहा तैयार है। अब इसमें हरी धनिया डालेंगे और सर्व करेंगे। और ये देखिए खिला खिला सा पोहा रेडी हो गया। इसमें थोड़ी सी हरी धनिया डालेंगे। अब ये रेडी है खाने के लिए। देखिए दोस्तों, ये पोहा कंप्लीट बन गया है। और अगर ये आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।